देश को एक और बुलेट ट्रेन जल्द मिल सकती है। अब अयोध्या और दिल्ली के बीच बुलेट ट्रेन रफ्तार भर सकेगी। इस हाई स्पीड ट्रेन से अयोध्या और दिल्ली के बीच की दूरी 3 घंटे में पूरी हो जाएगी। अभी अयोध्या और दिल्ली के बीच की करीब 670 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 10 से 12 घंटे का समय लग जाता है, लेकिन सरकार की नई योजना से रामनगरी अब सीधे राजधानी दिल्ली से जुड़ जाएगी। जानकारी के मुताबिक 865 किलोमीटर की ये हाई स्पीड रेल नेटवर्क कई शहरों को जोड़ेगी। इनमें लखनऊ, अयोध्या, मथुरा, इटावा, कन्नौज, प्रयागराज सहित 12 स्टेशन शामिल होंगे। इससे दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन से जुड़ जाएंगे। क्या है इस बुलेट ट्रेन की खास बातें? अयोध्या को लखनऊ से जोड़ने के लिए 130 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक दिल्ली लखनऊ के बीच यात्रा मात्र 1 घंटे 38 मिनट में ही तय किया जा सकेगा। आपको बता दें कि बुलेट ट्रेन से कई धार्मिक शहर जोड़े जाएंगे। धार्मिक शहर परियोजना से प्रस्तावित रेल मार्ग पर रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है। 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली इस ट्रेन की यात्री क्षमता तकरीबन 750 होगी। देश में जहां एक बुलेट ट्रेन चलाए जाने की योजना बन रही है, वहीं देश की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलने को तैयार है। जानकारी के अनुसार गुजरात में सूरत से बिलीमोरा के बीच ये बुलेट ट्रेन जल्द शुरू की जा सकती है। इन दोनों स्टेशनों के 50 किलोमीटर की दूरी है जो 15 मिनट में ही पूरी हो जाएगी। इस बारे में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पहली बुलेट ट्रेन जल्द सूरत और बिलीमोरा के बीच चलेगी।